हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इजी लाइफ विद सौम्या। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्वादिष्ट लौकी के लच्छेदार पराठा की रेसिपी। बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल स्वादिष्ट बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है लौकी और ये 1 किलो का है। इसे अच्छे से धो लिया है, अभी इसका छिलका निकाल लेंगे। पहले तो इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं ताकि आसान हो जाए छिलके निकालने में। आप कोई पीलर की हेल्प से निकाल सकते हो, नहीं तो इस तरह चाकू से निकाल सकते हो। सारा छिलका निकाल लिया है, अब इसे कद्दूकस कर लेते हैं। ये मीडियम साइज वाला ग्रेटर है। सारे लौकी को देखिए कद्दूकस कर लिया है। अभी इसमें थोड़ा सा नमक मिला लेते हैं और हल्के हाथों से इस तरह एक बार मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद इसे 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए अच्छे से। 3 से 4 मिनट हो गए, देखिए पानी कितना छोड़ा है ये। अब इसे छान लेंगे। हाथों से आप स्क्वीज कर सकते हो, नहीं तो इस तरह के कार्टन कपड़े में डाल के इसे अच्छे से निचोड़ सकते हो। साफ कपड़ा ही लीजिएगा क्योंकि इसी पानी से ना हम आटा गूंथेंगे। अच्छे से निचोड़ लिया है, देखिए इतना सारा पानी निकला है। अब इसी पानी से हम आटा गूंथेंगे। एक बार लौकी को इस तरह खोल लेते हैं। अभी इसमें कुछ मसाला नहीं मिक्स करेंगे, बाद में मिक्स करेंगे, पहले तो आटा गूंथ लेंगे। मैंने यहाँ 3 कप गेहूं का आटा लिया है और इसमें डाला है चिल्ली फ्लेक 1 चम्मच और अजवाइन 1/2 चम्मच और कसूरी मेथी 1 चम्मच डाला है। एक बार मिला लेंगे। अभी इसमें मैं नमक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हम इसमें लौकी वाला पानी ही यूज़ करेंगे और लौकी में पहले से ही नमक डाला हुआ था। अभी धीरे धीरे करके लौकी वाला पानी डालेंगे और आटा को गूंथेंगे। देखिए आटा गूंथ लिया है, इस तरह का टेक्सचर आया है। थोड़ा ये स्टिकी स्टिकी है और बाद में ये ठीक हो जाएगा। और इतना पानी बच गया है, इस पानी को आप किसी भी सब्जी में डाल सकते हो। अभी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ऊपर से, अच्छे से लगा लेंगे देखिए चारों तरफ। फिर इसे ढककर 15 मिनट ऐसे रख देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम लौकी वाला मिक्सचर बना लेते हैं। अभी मैंने लौकी में डाला है 1 प्याज कटा हुआ और धनिया पत्ता कटा हुआ, थोड़ा सा हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक महीन काट के डाला है। तीखा आप अपने हिसाब से डालिएगा। और डाला है हल्दी पाउडर 2 पिंच और आमचूर पाउडर 1/2 चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, नमक डाल लेंगे स्वाद के अनुसार, अच्छे से मिला लेंगे। अब ये तैयार है मिक्सचर, आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। अभी ना आटा को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, बड़ा बड़ा सा बॉल बनाना है।
अब एक हिस्सा को ले लेंगे और बाकी के जो आटा बचा है ना उसे ढककर रख देते हैं। थोड़ा सा ड्राई आटा में इस तरह कोट कर लेंगे और बेल लेंगे, जितना हो सके बड़े साइज में बेल लेंगे। ये बेल लिया है मैंने, अभी इसके ऊपर एक लेयर बनाएंगे, घी या बटर से आप एक मोटा लेयर बना लेंगे। देखिए अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड कर लिया है और इसके ऊपर सूखा आटा इस तरह छिड़क लेंगे। अभी इसे टाइटली रोल बनाना है इसका। रोल बन गया है, अभी इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। इस तरह हल्के हाथों से इस तरह प्रेस कर लेते हैं। अभी इसे बेल लेंगे, अभी पतले पतले बेल लेंगे। देखिए ये हो गया है, एकदम पापड़ जैसा पतला बना है, इसी तरह हमें बेलना है। एक और बेल लेते हैं। अभी लौकी के मिक्सचर को इस तरह स्प्रेड कर लेंगे। किनारे किनारे देखिए मैंने छोड़ दिया है, सिर्फ बीच में इस तरह स्प्रेड कर लिया है। और किनारे में जो जगह बची है ना उसमें थोड़ा सा पानी इस तरह अप्लाई कर लेंगे। और दूसरा जो हमने बेल के रखा हुआ था वो रोटी रख दिया ऊपर से और हल्के हाथों से इस तरह प्रेस कर लेंगे। हाथों से देखिए पूरा मैंने दबा लिया है, बेला नहीं है और एक बार बेलने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से सील कर लेंगे बस। अभी पराठा बना लेते हैं। सबसे पहले तवा गर्म कर लेंगे और इसमें मैंने पराठा डाल दिया है। अभी इसे मीडियम टू लो फ्लेम में पकाएंगे। इस तरह के पराठे को ना धीमी आंच में बनाना होता है, तब ये क्रिस्पी बनता है और अंदर तक अच्छे से पकता है। पहले दोनों तरफ अच्छे से सेक लेंगे, उसके बाद घी या तेल डालेंगे। अभी इसे थोड़ा क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। हमने पतले पतले बेले थे ना रोटी, तो देखिए जल्दी क्रिस्पी भी हो गया है और अंदर तक भी अच्छे से जल्दी से पक गया है। अभी तैयार है, इसी तरह बाकी के पराठे भी बना लेंगे। लच्छेदार लौकी के पराठे बनके तैयार है। आप इसे चटनी के साथ या रायता के साथ सर्व कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।